हेलो एवरीवन, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था ऐसा ही, ये उससे रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है। वहाँ पे स्क्वायर वेव फॉर्म थी, यहाँ पे ट्राइंगल वेव फॉर्म है। तो ट्राइंगल वेव फॉर्म आ जाए बस क्या करना उसका, देखो पहले ये टाइम, इसका जो पीरियड है कितना, कोई भी एक जगह पकड़ लो। चलो मैंने यहाँ से पकड़ लिया, ऐसी दोबारा जाके कहाँ पर जाके रिपीट हो रहा है, यहाँ पे जहाँ पे तक के रिपीट हो रहा है वो उसका क्या हो गया, टाइम पीरियड। ठीक है, टी कॉस टू सेकेंड। तो हमें इसका टिग्नोमेट्रिक फॉर्म निकली है। तो टिग्नोमेट्रिक फॉर्म क्या होती है, मैं बता चुका हूँ पहले ही। ए नॉट यानी एवरेज वैल्यू, एन इक्स टू वन टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, ओमेगा नॉट क्या होता है, टू पाई बाई टी नॉट। यहाँ पर निकाल लो उसकी वैल्यू, कितना दे रखा है ये, दो, तो ये आ गया पाई। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ ओमेगा नॉट है वहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई टी और बी एन साइन एन पाई टी। ठीक है, ए एन बी एन और ए एन ए नॉट की वैल्यू निकालनी है, निकालो। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं, वन बाई टी ओवर ए पीरियड एफ टी डी टी। टी की वैल्यू है कितनी, टू, जीरो से लेकर टू एफ टी डी टी। ठीक है, एफ टी की डेफिनेशन लिख दूँ मैं एक बार, यहाँ पे देखो एफ टी जो जीरो से वन के बीच में कितना है, एफ टी जो जीरो से वन के बीच में इसका स्लोप कितना होगा, टी, सॉरी स्लोप इसका वन होगा। अगर ये वन है तो ये एक्सिस से पास होने वाली लाइन है। ठीक है, ये लाइन है तो कितना होगा इसका, टी इक्वेशन आ जाएगी, टी कब, जीरो से लेके वन के बीच में, और एफ टी मेरा जीरो है कब, जब टी की वैल्यू वन से लेके टू के बीच में, ये है ना, ये वन से लेके टू के बीच में जीरो, जीरो से वन के बीच में ये टी है। ठीक है, तो यहाँ पर लगाओ इसको, जीरो से वन के बीच में कितना है इसका, टी डी टी। तो मैंने इसका करा कितना आ गया, टी स्क्वायर बाई टू, यहाँ पे लगाई मैंने लिमिट, कितनी मिल गई मुझे, वन बाई फोर, वन माइनस जीरो यानी वन बाई फोर। ए नोट की वैल्यू कितनी आ गई, वन बाई फोर। ए एन निकालेंगे ऐसे ही, ए एन का फॉर्मूला कितना होता है, टू बाई टी आ जाता है बस यहाँ पे और कुछ नहीं। यहाँ पे एफ टी होता है, यहाँ पे कोस एन ओमेगा नोट टी डी टी होता है। ठीक है, तो लो यहाँ पे लगाते हैं, तो टू बाय कितना आ जाए, टी की वैल्यू है टू, एफ टी हमारा जीरो से वन के बीच में है केवल, टी कोस एन ओमेगा नॉट की वैल्यू है पाई टी डी टी। ठीक है, ये होगा, इसको कैसे करेंगे, बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सुना ना, ये हो गया वन, तो इसको इसको मैं वो रखता हूँ, इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, तो इंटीग्रेशन बाय मैं पार्ट्स कर रहा हूँ, कोस का होता है साइन एन पाई टी अपॉन एन पाई, लिमिट लगाएंगे या जीरो से वन, माइनस इंटीग्रेशन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, उस वाले का इंटीग्रेशन, साइन एन पाई टी अपॉन एन पाई डी टी। यहाँ पे देखो लिमिट लगाऊंगा तो ये साइन एन पाई हो जाएगा, वो जीरो दे देगा, अगली बार जीरो लगाऊंगा टी जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा जीरो ही मिलेगा मुझे। ठीक है, लिमिट लगाने के बाद साइन का होता है कितना, माइनस कोस, तो इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, कोस एन पाई टी अपॉन एक बार और एन पाई आएगा तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसमें लगाऊंगा तो ये हो जाएगा कोस एन पाई माइनस कितना, कोस जीरो वन होता है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। कोस एन पाई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन की पावर एन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ए एन आ गया। ठीक है, ऐसे बी एन निकालेंगे, बी एन निकालो ऐसे, कितना होता है, टू बाई टी ओवर ए पीरियड एफ टी साइन एन ओमेगा नोट टी डी टी। यहाँ पर वैल्यू लगाता हूँ मैं, टू बाई टी जीरो से वन के बीच में है केवल, इसकी वैल्यू कितनी, टी साइन एन ओमेगा नोट की वैल्यू लगाओ पाई टी डी टी, तो टू से टू कैंसिल हो गया। अगेन मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहा हूँ, टी इंटू साइन का होता है माइनस कोस एन पाई टी अपॉन एन पाई हो जाएगा, है ना। यहाँ पे लगाऊंगा इसकी मैं लिमिट, माइनस
इंटीग्रेशन 0 टू 1 टी का हो जाएगा कितना 1, इसका कोस का साइन का कितना हो जाता है माइनस कोस एन पाई टी अपॉन एन पाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं इधर लिमिट लगाता हूँ तो कितना हो जाएगा माइनस 1 कोस एन पाई। ठीक है, और जीरो लगाए तो जीरो ही हो गया, टी इंटू जीरो हो जाएगा ना एन पाई, माइनस माइनस प्लस हो गए, कोस का कितना हो जाएगा साइन साइन एन पाई टी अब अगेन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। यहाँ पे देखो साइन 1 लगाया तो साइन एन पाई जीरो होता है, अगेन लगाऊंगा माइनस साइन एन साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो भी जीरो होता है, ये पार्ट पूरा जीरो हो गया। तो बी एन मुझे कितना मिला यहाँ से, ये वाला कोस एन पाई कितना होता है माइनस 1 की पावर एन अपॉन एन पाई, इसे मैं ऐसे लिख लूँ माइनस को इसमें इंक्लूड कर लूँ। ठीक है, तो ए एन बी एन सब कुछ मिल गया मुझे, ए नोट मैं सीधा उठा के यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, ए नोट की वैल्यू है 1/4, तो हमारा एफ टी जो आ गया है वो कितना आ गया 1/4 प्लस एन इक्वल्स टू 1 to infinity। ए एन जो आया, ए एन की वैल्यू है मेरी कितनी माइनस 1 की पावर एन माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर कोस एन पाई टी प्लस ये कितना आया अभी जो निकाला मैंने माइनस 1 की पावर एन प्लस 1 अपॉन, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं, माइनस 1 की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन पाई, और यहाँ पे साइन एन पाई टी। ठीक है, तो ये आ गया फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हमें निकालना क्या है इसका एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम और फेज स्पेक्ट्रम, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होती है उसकी हार्मोनिक फॉर्म। तो हार्मोनिक फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, ए नॉट प्लस एन इक्वल्स टू 1 to infinity ए एन कोस एन ओमेगा नॉट टी प्लस फाई एन, ये होती है। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो हमें क्या अब फाइंड करना रहता है ए एन और फाई एन, उन्हीं का हम ग्राफ बनाते हैं एन ओमेगा नॉट के वर्सेस। ठीक है, तो ए एन जो होता है वो होता है अंडर द रूट ए एन स्क्वायर और बी एन स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा ए एन स्क्वायर, और फाई एन जो होता है वो होता है माइनस ऑफ टेन इनवर्स बी एन अपॉन ए एन। ठीक है, या ऐसे निकाल लो, या एक दूसरा तरीका ये भी होता है, ए एन फाई एन को हम कैसे लिख सकते हैं ए एन माइनस जे बी एन, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये भी फॉर्मूला इससे ही बने हैं ना। तो यहाँ से निकालना शुरू करते हैं हम, देखो निकालते हैं पहले यहाँ पे ध्यान से देखो ए एन ये है ना बी एन ये, यहाँ से ही देख लो, हम अलग अलग केस यहाँ पे कंसिडर करेंगे, जब एन इक्वल्स टू हमारा ई वन हो, पहला केस वन अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, एन इक्वल्स टू ई वन, अगर एन इक्वल्स टू ई वन है तब क्या होगा, यहाँ पे देखो ए ये ए एन है बी एन है, नहीं तो पीछे देखना पड़ेगा, मैं यहीं से देख ले रहा हूँ, एन इक्वल्स टू ई वन के लिए ये वाला चीट जीरो हो गया है ना, यानी ए एन तो जीरो मिलेगा मुझे, और बी एन कितना मिलेगा देखो भाई साहब, यहाँ पे लगाओ एन इक्वल्स टू ई वन यानी मैं ले लिया 2, तो यहाँ कितना मिलेगा मुझे माइनस 1 की पावर, तो मुझे जब जब मैं ईवन लगाऊंगा तो यहाँ पे ये ए मुझे क्या मिलेगा माइनस 1 ही मिलेगा, 2 लगाओ 4 लगाओ। ठीक है, माइनस 1 अपॉन एन पाई, तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ एक सेकंड के लिए, तो ए एन की वैल्यू 0 माइनस जे, ये माइनस है तो प्लस कर देगा इसे, तो बस यहाँ से ए एन निकाल लो, ए एन क्या होता है इसका मोड। ठीक है, इसका मैं मोड निकालूंगा तो 0 का स्क्वायर 1 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो कितना आ गया वो 1 अपॉन एन पाई। फाई एन निकाल लो ऐसे ही, फाई एन कितना होता है इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट है 1 अपॉन एन पाई और रियल पार्ट 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी ये टेन इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा, ये कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो एन जब जब इवन वैल्यू होगी तो एम्पलीट्यूड उसका 1 अपॉन एन पाई रहेगा और फेज 90 डिग्री रहेगा। केस टू, एन इक्वल्स टू ओड के लिए, तो ए एन कितना हो जाएगा देखो यहाँ से अगेन, एन इक्वल्स टू ओड तो मैं लिया 1, तो ये मुझे कितना देगा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, माइनस 2 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। बी एन को चेक करो ऐसे ही, बी एन क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे, देखो
अगर मैं ओड डालता हूँ तो ये माइनस वन की पावर एन की जगह वन डाला तो माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, वो प्लस देगा, यानी ये हमें हमेशा प्लस देगा। ठीक है, अगेन ऐसे ही लिख लो इसे, इस फॉर्म में आसान रहता है ऐसे लिखना। इसमें क्या होता है, सारी चीज़ें पता लग जाती हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, क्वाड्रेंट भी तो देखना जरूरी है ना। माइनस जे बी एन की वैल्यू, तो इसमें ए एन और बी एन दोनों नेगेटिव हैं, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, कैसे नहीं, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझा दूँ। अगर मुझे इसका एंगल निकालना होता कैसे निकालता मैं, 180 प्लस टेन इनवर्स 1/1, यानी इसका कोफिशियंट अपॉन इसका कोफिशियंट। ठीक है, यानी कैसे कर, ये -1/-1 ऐसे करके लिख लूँ ना मैं। 180 क्यों ऐड करा, थर्ड क्वाड्रेंट में, ऐसे यहाँ पे ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो इसका पहले मैं एम्पलीट्यूड निकाल लूँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर 4² एन की पावर 4 पाई की पावर 4, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 1/ एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, चलो तो ये आ गया 4 + एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एन की पावर 4 पाई की पावर 4। तो मेरा ए एन जो आ गया कितना आ गया, ऊपर बचा ये 4 + एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन, नीचे आ गया एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, फाई एन निकाल लो ऐसे ही, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो 180 ऐड कर दूंगा मैं, और टेन इनवर्स कितना आ जाएगा, 1/(n)π, नेगेटिव का यहाँ पे नेगेटिव, -2/(n²π²), ये कट गया एन एन पाई से एन पाई, तो एन पाई बाय 2 बचा यहाँ पे। ठीक है, तो फाई एन कितना आ गया ओड के लिए, 180 प्लस टेन इनवर्स एन पाई बाय 2। ठीक है, तो अब इसके लिए टेबल बना लो, बना लेते हैं। हमें ए एन और वो चाहिए ना फाई एन के लिए, पहले मैं ए एन के लिए बना रहा हूँ, नीचे बनाएंगे फिर हम फाई एन के लिए। ठीक है, यहाँ पे एन की वैल्यू लगाते हैं हम, यहाँ पे एन की वैल्यू डालेंगे और यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, ए एन 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो। ठीक है, एन कस टू 1 यानी ओड, ओड वाला केस देखो, ओड वाला केस है ये, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, अंडर द रूट 4, अंडर द रूट 4 + पाई स्क्वायर डिवाइड बाय पाई स्क्वायर। ठीक है, जो वो आएगा मैं उसको फाइनल को लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा 0.377। नेक्स्ट एन कस टू 2, इवन वाले में लगाओ, तो इवन वाला केस कितना है एम्पलीट्यूड का, ये वाला, तो 1/2π, 1/2π की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 0.159। ऐसे एन कस टू 3 अगेन इसमें लगाएंगे तो हमें मिलेगा, मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही लगाते चले आओ, 108। 4 के लिए लगाओ इवन वाले में 0.0796। 5 के लिए लगाएंगे इसमें तो मुझे मिलेगा कितना, 0.0642। ठीक है, फाइव एन के लिए बनाओ ऐसे टेबल। एन फाइव एन 1, 2, 3, 4, 5। एन कस टू 1 ओड, ओड वाला यानी ये वाला, 180 प्लस टेन इनवर्स एन कस टू 1 लगाया, टेन इनवर्स पाई बाई 2, तो वो जो एंगल आएगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो आएगा 237.52। एन कस टू 2 इवन हो गया, इवन के लिए इसने फिक्स कर दिया 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो इवन पर 90 डिग्री है, इवन पर 90 डिग्री है। ठीक है, एन कस टू 3 लगाऊंगा तो इसमें मुझे मिलेगा 258.02, और 5 लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा 262.74। ठीक है, ये सब करने के बाद इन्हें क्या करना है, ड्रॉ कर देना एक पेज पे। ठीक है, एक सेकेंड मैं पेज ले लेता हूँ दूसरा, इसके लिए मैंने पेज ले लिया। पहले एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम क्या होता है, एन ओमेगा नोट का यहाँ लिखते हैं और ए एन यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ओमेगा नोट की वैल्यू पाई है तो एन पाई, तो यहाँ पे पाई से मल्टीप्लाई करेंगे ना, पाई 2π, 3π, 4π, 5π। ठीक है, यहाँ से वैल्यू मैच कर करके लिखो, एन इक्वल्स टू 1 पे, यानी यहाँ पे कितनी वैल्यू दे रखी है, 0.377, तो 0.377 यहाँ पे बना देंगे इसके लिए, ये हो गया मेरा 0.377।
नेक्स्ट एन इक्वल्स टू टू पे मेरा 0.159, वो छोटा होगा थोड़ा इससे 0.159, 3 पे 0.108 और छोटा हुआ, 4 पे तो 0. समथिंग ही रह गया, ठीक है 0.0796, और 5 पे तो और कम हो गया तो 0.06.2। ये हो गया क्या एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम फेज स्पेक्ट्रम के लिए बनाओ ऐसे ही, फेज के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एन पाई, यहाँ पे क्या 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई। तो यहाँ पे देख देख के बनाओ, एन इक्वल्स टू वन पे है मेरा 237.52, तो 237.52 मैंने मान लिया यहाँ पे आ रहा कहीं। एन इक्वल्स टू टू पे केवल 90 डिग्री, ठीक है छोटा होगा बहुत ज़्यादा, 3 पे 258.52 तो इससे बड़ा जाएगा वो, तो 258.02, 4 पे अगेन 90 डिग्री, यहाँ पे देख लो एक बार, और 5 पे 262 वो और ऊपर जाएगा, ठीक है 262.42। तो ऐसा बनाते हैं, ठीक है ये हो गया हमारा क्या फेज स्पेक्ट्रम। आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है मैंने केवल जो हमने टेबल बनाई थी उसी को इसमें यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो एक बार देख लो आपको स्टेप छूट गया हो तो, यहाँ पे जैसे मैंने पहले कराया था बिल्कुल सेम आसान है, ठीक है तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।